मशीन वॉइस, ठीक है। वॉइस से दोन प्रकार झाले, बेंच वॉइस आणि मशीन वॉइस। बेंच वॉइस से चार प्रकार आणि मशीन वॉइस से पण पांच प्रकार। आता वॉइस चा तीसरा प्रकार है पाइप वॉइस। तीसरा पॉइंट है टाइप ऑफ वॉइस मतलब पाइप वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस मतलब वॉइस का तीसरा प्रकार है पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का प्रयोग गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके आधार में वी ग्रूव का स्थिर जबड़ा होता है। एक चल जबड़ा स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल फ्रेम में चलता है। दोनों जबड़ों में 90 डिग्री का ग्रूव होता है। 90 डिग्री 90 डिग्री का ग्रूव होता है। ये दोनों जबड़े ढलवा लोहे के, सॉरी ढलवा स्टील के बने होते हैं। ढलवा स्टील मतलब कास्ट स्टील, जिन्हें ऊष्मा उपचार के द्वारा हार्ड किया जाता है। जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए इनमें दांते भी कटे होते हैं। दांते टीथ। रिजल्ट तुमसा वॉइस का तीसरा प्रकार जो है आपला पाइप वॉइस। आता चौथा प्रकार है त्याचा लैग वॉइस। इस वॉइस में एक लंबी टोंग होती है, जिसके ऊपरी सिरे में स्थिर जबड़ा होता है तथा निचला सिरा जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर टिका होता है। इसको किसी मजबूत व भारी मेज पर, सॉरी मेज के ऊपर कस दिया जाता है। मेज मतलब टेबल। इसकी बड़ी टोंग लेग से एक छोटी टोंग कब्जे जोड़ के द्वारा जुड़ी होती है, जिसके ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल के द्वारा स्थिर जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे चलता है। यह स्पिंडल स्थिर जबड़े में लगे नट में गति करता है। यह वॉइस माइल्ड स्टील की बनी होती है। लाइकवाइज माइल्ड स्टील की बनी होती है। दोनों जबड़ों में स्टील की जबड़ा प्लेट वेल्ड किए होते हैं। वेल्ड किए होते हैं मतलब वेल्डिंग। वेल्ड किए होते हैं मतलब वेल्डिंग के लिए जाते हैं। तुम सब लैग वॉइस का चौथा प्रकार, चार प्रकार वॉइस का चौथा प्रकार होता है लैग वॉइस। अथवा पांचवा प्रकार है जैसा हैंड वॉइस।
वर आपण फिट करू शकत नाही, आपण डायरेक्ट हातानेच त्याचा वापर करतो. इसकी बनावट कुछ सीमा तक लाइक वॉइस से मिलती जुलती है, परंतु साइज में बहुत छोटी होती है. इसको जॉब के साथ हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे हैंड वॉइस कहते हैं. म्हणजे याचा वापर आपण टेबल वर करू शकत नाही, म्हणून याला म्हणतात हैंड वॉइस. त्याचा वापर डायरेक्ट आपण हातानेच करतो. इसके दोनों जबड़े एक सिरे पर कब्जा जोड़, म्हणजे हिंज जॉइंट, कब्जा जोड़ हिंज जॉइंट. जबकि दूसरे सिरे पर जॉब की पकड़ मजबूत करने के लिए जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है. दोनों जबड़ों के मध्य एक पत्ती स्प्रिंग, म्हणजे लीफ स्प्रिंग होती है. पत्ती स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग. जॉब को जबड़ों में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है. जॉब को जबड़े में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है. विंग नट का प्रयोग किया जाता है. यह समस्त वॉइस माइल्ड स्टील की बनी होती है तथा बाजार में 125 से 150 मिलीमीटर तक की लंबाई तथा 40 से 45 44 मिलीमीटर तक की चौड़ाई में उपलब्ध है. म्हणजे त्याची साइज फार कमी असते, 125 ते 150 मिलीमीटर, म्हणजे जास्तीत जास्त 15 सेंटीमीटर ची, आणि 40 ते 44 मिलीमीटर तक की चौड़ाई आहे त्याची विड्थ. झालं तुमचा हँड वॉइस. तर वॉइसचे झाले 5 प्रकार टोटल आपले. सहावा है पिन वॉइस. पिन वॉइस वॉइस मध्ये लिहून घ्या मॅम. यह वॉइस अत्यंत महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के काम आती है, इसलिए इसे पिन वॉइस कहते हैं. म्हणजे एकदम बारीक जॉब तुम्ही त्याने धरू शकता, त्याला म्हणूनच त्याला म्हणतात पिन वॉइस. इसके द्वारा पतली छड़, घड़ी की शाफ्ट या पिनियन आदि को पकड़कर, पिनियन या पिनियन आदि को पकड़कर उन पर
मशीनी कार्य किया जाता है। जॉब को पकड़ने के लिए इसके एक सिरे पर ड्रिल चक की तरह के जबड़े होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार हैंडल के घुमाने पर खुलते तथा बंद होते हैं। इसकी बॉडी पिन की तरह होती है। इसकी पकड़ बढ़ाने के लिए बॉडी पर नर्लिंग की गई होती है। इसकी पूरी लंबाई में छेद किया होता है। इसका प्रयोग छोटे उपकरणों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ही जारी माहिती पिन वॉइस बदल। नंतर सातवा है टूल मेकर्स वॉइस। टूल मेकर्स वॉइस आकार में बहुत छोटी तथा संपूर्ण इस्पात की बनी होती है। इस्पात म्हणजे स्टील की बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, जिससे जॉब की सतह पर निशान नहीं पड़ते। इसको टूल मेकर्स द्वारा बारीक मशीनी संक्रियाएं करने के लिए काम में लाया जाता है। चलो तुमसा सातवा प्रकार वैसा सातवा। तो आठवा प्रकार है सी क्लैंप वॉइस। इसकी बनावट सी के आकार की होती है, इसलिए इसे सी क्लैंप वॉइस कहते हैं। इसमें ढलवा लोहे का एक फ्रेम होता है, जिसका एक सिरा स्थिर बटन होता है, दूसरे सिरे को एक नट के रूप में लाया जाता है। इस नट में एक स्पिंडल चल सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूमने वाला बटन, घूर्णी बटन रहता है तथा दूसरे सिरे पर एक हैंडल पड़ा होता है। ठीक है, इधर ली थोड़ी माहिती सी क्लैंप वॉइस बदल। तो पक्के लक्षात ठेवायचं की सी सारखा दिसणारा वॉइस त्याला म्हणतात आपण सी क्लैंप वॉइस। वॉइसचा शेवटचा प्रकार आहे समांतर क्लैंप वॉइस। नववा वॉइस
क्लॉकवाइज किंवा पॅरलल क्लॅम्प वाइज. समांतर क्लॅम्प वाइज किंवा पॅरलल क्लॅम्प वाइज, त्याच्याबद्दल माहिती देऊन घ्या. समांतर क्लॅम्प वाइज को टूल मेकर्स क्लॅम्प वाइज भी करते हैं. इसमें टूल स्टील के दो प्लेन जबड़े होते हैं जिन्हें लगभग बीच में एक स्क्रू द्वारा कसा जा सकता है. एक दूसरा स्क्रू दूसरे सिरे के पास क्लैंप को तनाव देता है. ये क्लैंप तैयार जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. इनसे जॉब की सतह खराब नहीं होती. इनका प्रयोग जॉब पर मार्किंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या ड्रिल आदि के लिए किया जाता है. मुझे ऐसा ऑफर कैसे साकी करता हूँ अपन मार्किंग सोल्डरिंग ब्रेजिंग आदि करने के लिए किया जाता है. समांतर जबड़ों में पकड़े जा सकने वाले बड़े से बड़े साइज से समांतर जबड़े का साइज दिया जाता है. तीस आली माहिती तुमची पैरेलल क्लैंप वॉइस बद्दल किंवा समांतर क्लैंप वॉइस बद्दल. हे झाले वॉइस से नौ प्रकार. पहिल्यापासून पाहिलं जर कधी आपण तर वॉइसचा पहिला प्रकार होता बेंच वॉइस. त्याचे चार प्रकार होते. घुर्णी बेस बेंच वॉइस, क्विक रिलीज बेंच वॉइस, कॉम्बिनेशन बेंच वॉइस आणि कारपेंटर्स बेंच वॉइस. नंतर दुसरा प्रकार पाहिला मशीन वॉइस. तर त्याचे पाच प्रकार होते. साधारण मशीन वॉइस, घुर्णीवाली मशीन वॉइस, युनिव्हर्सल मशीन वॉइस, ऊर्ध्वाधर मशीन वॉइस आणि ड्रिल मशीन वॉइस. नंतर वॉइसचा तिसरा प्रकार पाहिला आपण आज पाईप वॉइस, चौथा लॅग वॉइस, पाचवा हँड वॉइस, सहावा पिन वॉइस, सातवा टूल मेकर्स वॉइस, आठवा सी क्लॅम्प वॉइस आणि नववा समांतर क्लॅम्प वॉइस. आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याचे प्रिकॉशन्स आणि कीज नंतर कीज टाइप्स ऑफ कीज पाहून घेऊ.